दोनों पुल मंजूर हो गए तो वधाइया साडिया विच ही रह गई। विचोले ही भज गया साडा ते वह विचोले पता नहीं वह कितने चले गए। एस डी एम साहब सतारयोग साह संगत बजुर्ग नौजवान नंबर वन ते मंडी गोविंदगढ़ के इलाके रोस धरना दिता जा रहा है। मैं समझदा कि ये तो वड्डी मंदभागी जिहड़ी गल कोई हो नहीं सकती। मैं जे तुहाडे नाल पिछोकड़ सांझा करां हांसी ते जिहड़ी साडी तहसील सी उतों असी साबे बनाउणा चाहुंदे सी ते हाईवे दे उत्ते जिहदी कोई 70-80 लख उहनूं असी मता पा के भेजिआ कि साडा जिहड़ा मंडी गोविंदगढ़ आ इंडस्ट्रियल टाउन है इत्थे रोज़ तकरीबन हज़ारां की गिणती विच ट्रक आउंदे ते बाहर जांदे ने अते हाईवे नूं बार बार जिहड़ा संघर्ष है क्यों सानू विटना पिया क्यों साडे नाल नजायज़ हो रहा है। असी फिर एक बार सारी संगत नूं कोई बुक्कल च असी कोई लड्डू नहीं बोरने भी साडे नाल गल हो गई जी असी कोई एडे चौड़े नहीं हो गए। जिन्ना चिर तक साडा प्रशासन नूं बेनती है भी इत्थे टैंपरेरी कट नैशनल हाईवे का 2 मिनट का कम है क्योंकि जे कोई उन्होंने सड़क बनानी होंगी एक मिनट च कट खोल लेंदे होंगे ने भी उन्होंने कोई बहुता वड्डा काम नहीं टैंपरेरी कट। बेनती है भी एस डी ओ खोल सकते सोमवार उन्होंने नैशनल हाईवे अथॉरिटी अंबाले ना गल करके क्योंकि आप भी जाते रहने आपने 15 दिन का टाइम दिता से भी 15 दिन च असी कट थोड़ा खोल देंगे जरूर क्योंकि हमने मैनू हुकम चंद बंसल जी का भी फोन आया कोई तकरीबन 10 पंचायत आई ने रिमट कॉलेज यूनीवर्सिटी के जोड़े ड्राइवर ने वो आए हैं साढ़े को जोड़े कई ट्रांसपोर्टा लोग आए हैं तो अज का जोड़ा होया वो ये होया भी असी हफ्ते तक जो टैंपरेरी कट है जां लाइट लग जाए उत्थे वो असी खोल के तुहानू खोल के देवांगे। एस डी एम ने टाइम लिया भी मैं जिहड़ी आ नैशनल हाईवे नाल गल करके ये जल्दी तो जल्दी खुलवाऊंगा ते जिहड़ा दूजा हैगा मसला ओवरब्रिज का भी वो असी उन्होंने कहा भी असी महीने तक अपना करांगे असी भी जिहड़ा हैगा वो कोशिश करांगे नहीं तो अगला धरना जिहड़ा साडा हैगा 21 दसंबर वो असी रोड जाम करन दा जे फिर भी ना प्रशासन दे खुले कारण असी जेलां भरांगे जो भी साढ़े तो होगा असी करांगे पर असी कट लैके रहांगे क्योंकि बहुत बेशकीमती जाना जिहड़ियां ने इत्थे जा रही ने रोज़ एक्सीडेंट हो रहे ने रोज़ बंदे मर रहे ने इन्हां दे कन्न ते कोई जू नहीं सरकी। इत्थे रोसमी धरने जो वादा खिलाफी धरना सी रोसमी धरना उहदे विच बहुत वड्डी गिणती दे विच वख-वख पिंडां दे विचों वख-वख नगरां दे विचों सारे मोहतर सज्जन बीबियां भैणां नौजवान आए सी क्योंकि प्रशासन ने वादा खिलाफी की आ प्रशासन ने वादा किया क्योंकि जो इतने कट हाईवे का कट वो कट लगना चाहिए सरकार ने मंजूरी देती सी ये प्रशासन की नलैकी आ कि वो ये कट लाने सफल हुए हैं। सो इस इलाके का रोस देखते हुए अच्छ सारे लोग संगत वालों कट्ठे हो गए पार्टी वाइज तो उपर उठ के धरना लाया गया 1 बजे का टाइम सगा भी 1 बजे हाईवे जाम करा जो प्रशासन अधिकारी आकर विश्वास दवाए उरे मानजोग एस डी एम साहब DSP अमलोह ये सारे उरे आए इन्होंने सारी संगत को विश्वास दवाया कि हफ्ते के टैंपरेरी कट लवावे और जो भी प्रोसीडिंग चल रही ने कट बारे पुल बारे उन्होंने जल्दी असं नैशनल हाईवे ध्यान लैके करा। सो उ गडकरी साहब भी गल की जाऊगी तो प्रशासन भी गल कर रहे हैं भी जे जे पुल की मंग ना मनेगी तो 21 दसंबर में सही 1 महीने बाद इतने हाईवे जाम किया जाऊगा चाहे उस जेल भर अंदोलन शुरू करना पै जाए चाहे कोई डांगा खाने पै चाहे कोई परचा हो जाए वो तो लोगों के बहुत रोस है इस गल तो डरते नहीं है। सो मैं प्रशासन को बेनती करना चाहता कि मसले जल्दी हल कराया जाए जी। असी नैशनल हाईवे अथॉरिटी तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जी को फाइल है उत्थे किस कारण करके ये प्रोजेक्ट रुकया है इसते असी वर्कआउट करांगे जिदा टैंपरेरी कार्ड जी उन्होंने गल की वैसे NHAI नाल ये इशू टेकअप करांगे तो जल्दी तो जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई हल कढ़िया जाए जी। हाँ बिल्कुल असी विचार करांगे इसते कि कित्थे जे कोई कोई टैंपरेरी कार्ड बनता है या कोई परमानेंट इहदा कोई सोल्यूशन बनता उत्ते असी काम करांगे। इत्थे नैशनल हाईवे वालों बहुत देर तो लगातार भरोसा दवाते आ रहे हैं इत्थे इलाके इत्थे 150-200 पिंडां दा ये सवाल है और खास तौर पर गोविंदगढ़ शहर जिला फतेहगढ़ का एक बहुत बड़ा सवाल है आले दुआले दी सड़कां इन्हां करके ही बहुत बुरा हाल सारी अद्धी इंडस्ट्री जिहड़ी इत्थे बसी हुई है अद्धी इंडस्ट्री इत्थे चल रही है इंडस्ट्री व्यापार लोगों का आन जान रिश्ते खेतीबाड़ी सारी जिहड़ी है बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस करके ये अज इन्होंने विश्वास तो दवाया हफ्ते तक टैंपरेरी कट दे दें जे 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने ये पुल अंडरग्राउंड पुल शुरू ना कराया तो असी जो है मेन रोड जो है वो सारे इलाके सहयोग करके
मुरली कतार च खड़ के असं जाम करांगे।